प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब ने जितने भी पुराने पेंडिंग केसेस थे चार पाँच साल से जो फैसले पे थे उन पे बड़ी मेहनत करके इन केसों का निपटारा कर रहे हैं और उसी सिलसिले की एक कड़ी में आज 2008 एफआईआर नंबर 14/2008 में केस रजिस्टर हुआ था पुलिस स्टेशन सुरकोट, जिसमें मुलजमान पार्टी ने बड़े वहशियाना तरीके से एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से दूसरी पार्टी पे हमला कर दिया, जिसमें एक आदमी की जान चली गई। और उसके जब हमला किया तो उसमें पथराव और उसके प्राइवेट पार्ट्स जो थे वो बुरी तरह इन लोगों ने डैमेज कर दिए थे। ये एफआईआर, इसके साथ फिर ये तकाजा भी चला कि ये एफआईआर 5 साल अंडर इन्वेस्टिगेशन रही। 5 साल के बाद 20/12/2012 को जो एफआईआर 302 में लगी थी उसको आखिर 304 में कन्वर्ट किया गया और फिर 20/2/2013 में इसका चलान पेश होता है। यानी पूरे 5 साल इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद इसका जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई तो इसका चलान पेश हुआ। उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने, जो ये काफ़ी अर्से से बहस पे था, बड़ी मेहनत करके इसको कंक्लूड किया और एक दो बार इसमें एक जो लेडी है उसका मीनवाइल उसकी डिलीवरी थी, उसका छोटा बच्चा था, जिसकी वजह से ये एक दो डेटे में पड़ी और बिल आखिर आज प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब ने अपनी बड़ी मेहनत के बाद हमारी प्रोसिक्यूशन की जो एविडेंस थी उसको अप्रिशिएट किया और मुलजमान को कैफरे करदार तक बचाया। इनको 10 साल की सज़ा 304 पार्ट 2 में दी गई है और उसके साथ कुछ जुर्माना भी आयद किया गया है। ये सोसाइटी में इस केस की जो मुलजमों को सज़ा हुई है उससे एक मैसेज आएगा कि जो जुर्म करते हैं उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।